आपको प्रैक्टिकली देखने के बाद में आज इसको बोलने की भी कोशिश करना आप देखिएगा ट्रस्ट में आज हर कोई इंग्लिश में पास्ट में कई भी बातों को कॉन्फिडेंटली बोल पाएगा तो सबसे पहले स्टोरी टेलिंग होता क्या मैं आपको बताना चाहूंगा स्टेरी टैलिंग स्पोकन इंग्लिश की एक मैथड होती है जिसके थ्रू हम लोग जो है पास्ट में जो भी घटनाएं घटती है इसको हम लोग बोलते हैं इसमें हम लोगों को सिंपली सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग करना होता है अब सिंपल पास टेंस का उपयोग करते हो हमें जो है प्रैक्टिकली उन सेंटेंसेस को जो हम लोगों ने वर्क किया है उसको बोलना है और इसमें कुछ कंजंक्शन स्पेशली देन देन आफ्टर या फिर आफ्टर दैट ये कुछ ऐसे कंजंक्शन हैं जिनको यूज करके आपको जो है आगे क्या होगा वो आपको बताना होता है मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन सबसे पहले आपको जो भी एक्टिविटीज आपने कल करी है वो बोल के सुनानी है आपको बताना होगा मैं अगर आपसे पूछू चलिए बताइए मुझे यस्टरडे टोडे यू डिड सो यू वुड से सर यस्टरडे इट वॉज अ

Yesterday आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग कल मैं लेट उठा बिकॉज इट वॉज yesterday क्योंकि कल संडे था एंड आई यूजली up लेट ऑन संडे और सामान्यतः मैं संडे को लेट उठता हूं देन आई ड्रिंक water. फिर मैंने पानी पिया देन आई गॉट फ्रेश फिर मैं फ्रेश हुआ देन आई ब्रश माई टीथ फिर मैंने अपने दांतों पे ब्रश किया देन वॉश माई फेस और चेहरे को धोया. देन माई मदर कॉल्ड मी फॉर टेकिंग टी फिर मेरी मामा ने मुझे चाय पीने के लिए बुलाया देन आई took टी यू कैन सी दैट इन एवरी सेंटेंस what वी आर डूइंग वी आर यूजिंग आप देख सकते हैं हर जगह हमने वॉप की सेकंड फॉर्म लगाई मैं सारी सारी जितनी भी सेकंड फॉर्म है उन सब पर इस तरीके के सर्कल बना रहा हूं ताकि आप जो है इसको समझ जाए ये देखो यहां भी ये लिखा है हमने देन आई गॉट फ्रेश आप देख सकते हैं देन देन आई आई आप देख सकते हैं इन शॉर्ट ये जितने भी पूरी एक्टिविटीज है कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस को आप ले लीजिए आप नोटिस करेंगे कि आपको जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म ही मिलेगी बिकॉज पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन पूरा के पूरे स्टेटमेंट किस में जा रहा है सिंपल पास टेंस में जा रहा है मतलब यहां पर एक चीज तो हमको समझ में आ गई कि अगर कोई काम हम लोगों ने किया है और अगर हम उसको बता रहे हैं सो वी सिंपली हैव टू स्पीक इन सिंपल पास टेंस दिस इज एक्चुअली और यही स्टोरी टेलिंग का सबसे पहला रूल है अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट यू डिड यस्टरडे तो बिल्कुल शुरू हो जाओ सर यस्टरडे इट वॉज संडे आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग देन आई ब्रस्ड माई डीत देन आई गॉट रेडी टू गो टू मॉर्निंग वॉक देन आई वेंट टू मॉर्निंग वॉक जो भी कल आपने किया वट एवर यू डिड यस्टरडे यू हैव टू स्पीक तो पहला रूल आपको स्टोरी टेलिंग का ये समझ में आ गया

actually i was um, i was on the time but due to some reason i got late that's why so i went to school late and uh, my teacher didn't allow me in the class because i was late so uh, i stayed uh, i stood uh, out of the class for a while then i requested my teacher to come in to go in then after some time he called me in and uh, uh, he said next time you are not going to be late then i promised my teacher not to be late again so is tarike se jo particular घटना आपके साथ घटी है बाई यूजिंग सिंपल पास टेंस यू हैव टू स्पीक एंड ट्रस्ट मी वेन यू ट्राई टू यूज वेन यू ट्राई टू स्पीक इन यू ओन वर्ड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द करेक्ट टेंस टू यूज द करेक्ट टेंस ऑन द करेक्ट प्लेस बिकॉज वट आई हैव सीन विद नो नेडिवी स्पीकर नो एक्जैक्टली वट टू से नो वॉट दे आर गोइंग टू से नो एवरीथिंग बट वेन इट कम्स टू स्पीक प्रैक्टिकली दे डोंट नो हाउ टू यूज करेक्ट टेंस ऑन द करेक्ट प्लेस

फिफ्टीन अगस्त uh, मेरा पर पंद्रह अगस्त को आता है आपका कभी भी आता हो पर मान लीजिए आपका जो है अभी रिसेंटली अक्टूबर में आपका बर्थडे गया है तो आप क्या कहोगे आई सेलिब्रेटिड माई बर्थडे ऑन ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर एंड इट वॉज ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड एक्चुअली आई आई स्टार्ट इट सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे इन द नाइट एज द क्लॉक गॉड ट्वेल्व यू नो आई स्टार्ट इट सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे माई फैमिली दे gave me a surprise gift uh, they gave, uh, they actually brought a cake for me and uh, they wished me uh, at 12 o'clock sharp तो इस तरीके से जो जो आपके साथ हुआ दे विज मी एट ट्वेल्व ओ क्लॉक शार्प दे ब्रॉट दे ब्रॉट अ केक फॉर मी आई कट द केक इन नाइट देन इन द अर्ली मॉर्निंग आई वोक अप आई गॉट रेडी टू गो टू टेम्पल आई वेंट टू टेम्पल आई टू ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई पेरेंट्स यू नो तो जो, जो जो आपने किया वॉट एवर यू डिड ऑन योर बर्थडे मतलब आपने अपने बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट किया उस दिन आपके साथ क्या क्या घटनाएं हुई उस दिन आपने क्या क्या किया क्या स्पेशल किया क्या स्पेशल गिफ्ट आपको मिला एवरीथिंग यू हैव टू स्पीक यू ओन वर्ड्स

तो अभी मान लीजिए नाउ दिस इज द विंटर इज गोइंग ऑन सो इन द विंटर वी फॉल सिक वी गेट कोल्ड वी गेट वी सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ सो हाउ यू फील व्हेन यू गेट व्हेन यू गॉट सफर फ्रॉम व्हेन यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ सो यू कैन स्पीक द प्रोसेस व्हेन हाउ यू फील यू नो एंड समाइम्स वी गेट सफर फ्रॉम फीवर यू नो सो वी हैव टू गो टू डॉक्टर सो वॉट द प्रोसेस इज एक्चुअली सो रिसेंटली इफ यू फॉल सिक सो द प्रोसेस यू नो

पर्टिकुलर प्रोसेस को किया है इन चीजों को समझा है वो कभी भी पास टेंस को बोलने में मिस्टेक नहीं करता है दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ इस चीज को बहुत अच्छे से आप समझ लिया क्योंकि आज का जो बच्चा है ना, आज का जो स्टूडेंट है जो इंग्लिश सीख रहा है इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है ही इज नॉट हैबिचुअल टू स्पीक इन इंग्लिश ही स्पीक्स फ्यू सेंटेंसेज दैट ही नोज वेल बट when it comes to speak practical talking, when it comes to speak विद एनी वन देन आई फाइंड की उनको वो चीज नहीं आ पाती वो generally प्रेजेंट के सेंटेंस को बहुत अच्छे से बोलते हैं इवन कभी कभी तो फ्यूचर में भी प्रेजेंट के सेंटेंस यूज करते हैं पास्ट में भी प्रेजेंट के सेंटेंस यूज करते हैं तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वी डोंट हैव कमांड ओवर द स्टोरी टेलिंग तो अगर हम लोग स्टोरी टेलिंग पर हमारी अच्छी कमांड कर लेते हैं सो वी कैन टॉक विद एनी कॉन्फिडेंटली क्योंकि हम जब किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कौन से टेंस में बात कर रहे हैं बात करते वक्त जो सिचुएशनल सेंटेंसेस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते रहते हैं ऑल ऑफ यू कि अभी के अभी इन प्रैक्टिस के थ्रू आप जाइए इन सारे के सारे कॉन्टेंट को सिंपल पास में बोलने की प्रैक्टिस करिए स्ट्रक्चर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट बी टू प्लस ऑब्जेक्ट और इनकी मदद से आप मुझे बोलने की कोशिश करिए और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि क्या बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। मिलूंगा कुछ अच्छे के साथ में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दिया करो यार और शेयर तो करना भूलना नहीं है और चैनल पर बनाया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि शानदार जानदार वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलेंगे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्टेंट के साथ में टिल देन टाटा बाय गुड डे